मुंबई के लंग्स कहे जाने वाले गोरेगांव डिंडोशी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भवन निर्माण जगत की तेजी से उभरती कंपनी जीएनबी ग्रुप ने अपना दूसरा बहुप्रत्याशित प्रोजेक्ट डिंडोशी वृंदावन सैकड़ों लोगों के बीच लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग इवेंट में फिल्म जगत, उद्योग जगत और मेडिकल जगत के साथ रियल एस्टेट जगत की कई नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। डिंडोशी वृंदावन प्रोजेक्ट म्हाड़ा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे जीएनबी ग्रुप बना रहा है। इस 22 बहुमंजिला इमारत में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आज के जमाने के संसाधन भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सीसीटीवी, इंटरनेट से लेस तो होगा ही, साथ ही इसमें मॉड्यूलर किचन, विदेशी टाइल्स, वॉशरूम में जगुआर्स फिटिंग भी ग्राहकों को दी जाएगी। जिस लोकेशन पर डिंडोशी वृंदावन बिल्डिंग बनने जा रही है वो लोकेशन मुंबई शहर का टॉप मोस्ट लैंडमार्क है। एक तरफ फिल्म सिटी, डिंडोशी डिपो, डिंडोशी कोर्ट और आर्य कॉलोनी की पहाड़ों की सराउंडिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबेराय मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का मेट्रो और गोकुलधाम एरिया संलग्न है। लोकेशन के तीनों तरफ रोड है, दो तरफ मेट्रो ट्रेन आने वाली है। गोरेगांव रेलवे स्टेशन महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं स्कूल कॉलेज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वृंदावन एक तो भैया मेन रोड पे है, यहाँ पे ये आपका गोकुलधाम का जो ये फिल्म सिटी वाला रोड है इसको कनेक्टेड है, इसकी वजह से प्रॉपर एक्सेस है, यहाँ पे मेट्रो का एक्सेस है। जो एमिनिटीज़ लोगों को अपने ब्रोशर में लिखना पड़ता है हमको बिना बोले यहाँ पे हर एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड। हमारा जो यहाँ पे रेट वगैरह है, ये रेट भी एकदम मार्केट को देख के ही हमने रखा हुआ है, और जो काम करने का तरीका है हमारा, ये लोगों को इतना इफेक्टिव और इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सामने भी एक बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से वो कर रहे हैं कि लोग एकदम प्रभावित हो गए इससे, तो इससे हमको मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं। कॉस्टिंग हमने यहाँ पे 21,000 कारपेट का रेट रखा है, जयरा कारपेट, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमको यहाँ पे, और हमको यहाँ पे ऐसा कहीं फील ही नहीं हो रहा है कि कुछ मार्केट का प्रभाव ऐसा कुछ पड़ रहा है। मतलब हम तो लोगों से मिलते मिलते बात करते करते थक जा रहे हैं। 2 BHK का कॉन्सेप्ट, वही 713 रेरा कारपेट रखे हैं, जिसमें कि जिसका फेसिंग वो मेन रोड की तरफ है और पूरा व्यू वहाँ से ओपन है, जो एक ब्रीथ टेकिंग फील जो है, और अगल बगल पूरा ये आपका आर्य कॉलोनी है और वो सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से पूरा ये एरिया एकदम अपने आप में सुहाना है। इस प्रोजेक्ट को देखने और विजिट करने आए क्रिटिकेयर अस्पताल श्रृंखला के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नामदेव जोशी ने समारोह में मौजूद मीडिया कर्मियों के सामने घोषणा की कि उन्हें ये लोकेशन और वृंदावन, प्रयाग, त्रिमूर्ति, मधुबन और सत्यम प्रोजेक्ट पसंद आया है। चूहू और अंधेरी ईस्ट के बाद अब इस लोकेशन में अपनी अस्पताल श्रृंखला का तीसरा अस्पताल खोलने का वो पूरा मन बना चुके हैं। लोगों का स्नेह है आपकी बिल्डिंग के, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तो आज रियल इस्टेट थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, पर उसमें आप इतने लोगों को लेके आ सके हुए हो, इतना अच्छा आज के मार्केट के मुताबिक रीजनेबल भी प्राइस घर लेके आ रहे हो, जो तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे स्टाफ को भी मैं इंकरेज करूँगा कि भाई इधर घर लें, हमारे हॉस्टल के दोनों हॉस्टल भी एकदम पास में है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट। वो भी मैं डिस्कशन करने आया हूँ कि इधर क्रिटिकल हॉस्पिटल 3 ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आए हैं कि यहाँ इतनी आबादी है, इतने अच्छे लोग हैं, पर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, हाईवे से किधर ट्रैवल करते हुए थोड़ा वक्त लगता है, तो उस हिसाब से यहीं पर एक क्रिटिकल 3 हो जाए तो आई थिंक मेरे मन की मुराद पूरी हो जाए। डिंडोशी वृंदावन प्रोजेक्ट में 6000 फीट कमर्शियल एरिया भी बनाया जाने वाला है और म्हाड़ा के टेनेंट के लिए भी खास 1 BHK फ्लैट बनाए जा रहे हैं। न्यूज़ टॉक लाइव के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट।